Contract in writing. Contract. It must fulfill the following requirements. Contract in writing. जो हमारा contract है वो क्या हो, writing में हो. Writing से कहने का मतलब क्या है कि ये जो है हमारा legal document होना चाहिए, मतलब according to the law होना चाहिए. ठीक है, जो इंडिया का लॉ है, इंडियन जो जुडिशरी बोल रहे हैं उसका मैटर हो जाता है. मतलब आपको कहना है, आपका ये मानना होना चाहिए कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक राइटिंग में हो जिसपे दोनों पार्टी का साइन हो, नहीं तो वैलिड नहीं होगा वो. तो दोनों पार्टी का मतलब क्या बोले, दोनों पार्टी का मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर और एक, जैसे गवर्नमेंट के केस में क्या हो गया, जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर हो गया, जैसे हमारे इंजीनियर है ऑफिस में, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, ठीक है, एक डिवीजन हेड है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर के साथ, है ना, इस तरह से. तो एक पार्टी हमारा गवर्नमेंट ऑफिसर हो गया. अकॉर्डिंग टू द लॉ द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन राइटिंग एंड शुड बी साइंड बाय बोथ द पार्टीज. इन केस ऑफ ज्वाइंट पार्टनरशिप द नेम ऑफ द पार्टनर आर रिटेन एंड साइंड बाय ओनली वन पार्टनर हु इज हैविंग अ पावर ऑफ अटॉर्नी टू साइन द डॉक्यूमेंट. इन केस ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द ऑफिस ऑफिसर ड्यूटी ऑथराइज साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द डिपार्टमेंट. इसमें क्या है कि अगर गवर्नमेंट केस की बात करें तो जैसे आपको बताया कि जो गवर्नमेंट का ऑफिसर होगा वही सरकार को रिप्रेजेंट करेगा एज अ पार्टी, तो उसका साइन रहेगा और एक आपको कॉन्ट्रैक्टर का साइन रहेगा. तो ये एक राइटिंग में होना चाहिए, ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए. दूसरा बोल रहा है सब्जेक्ट मैटर भी इसका एक रिक्वायरमेंट है. तो सब्जेक्ट मैटर क्या हो गया, मतलब ये हमारा लीगल होना चाहिए, ठीक है, एंड डेफिनेट होना चाहिए. कुछ उल्ट ऐसा नहीं लिख दें उसमें कि जो जो कि मतलब डेफिनेट ना हो, समझे. तो इस तरह की चीज है. एक और है कैन बी इन्फोर्स्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ. तो ये जो भी इसमें कंडीशंस लिखे होंगे दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द लॉ बिकॉज द कोर्ट कैन फोर्स ओनली सच कंडीशन. क्योंकि जब भी आप देखते हैं अगर आप किसी भी दुकानदार है कोई भी कटिहार में ही देखिए, कहीं पे भी अगर जाके आप अगर बिल देखिएगा या किसी चीज़ का बिल लीजिएगा या कोई मशीन आप परचेज कीजिएगा तो नीचे एकदम स्टार मार्क में लिखा रहता है कि ऑल जुडिशरी मैटर विल बी सब्जेक्टेड टू द जो सिविल कोर्ट कटिहार, ये वो लिखा रहता है. तो जो अगर उसमें नल होगा, मान लीजिए आपने वर्क ऑर्डर दिया कि हमको ये मशीन चाहिए, परचेज कर रहे हैं, तो वर्क ऑर्डर में आपने दिया वो वैलिड चीज है, राइटिंग में आप दे रहे हैं उसको, उसके बाद वो आपको रिटर्न में एक्सेप्ट करके भेज रहा है, फिर वो आपको मशीन दे रहा है, परचेज हुआ. अब मान लीजिए कि परचेज हुआ और उसको पेमेंट चाहिए, तो एक्चुअली कंपनीज का क्या है, उसका अपना एक वो क्या है, अकॉर्डिंग टू जो लॉ है उसका बना हुआ है कि हमारा जो पेमेंट है वो 10 दिन के अंदर मिल जाना चाहिए आप डिलीवरी एंड सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन. तो आपको क्या है कि 10 दिन के अंदर पेमेंट करना है, उसको आप एक्सीड कीजिएगा तो वो आप पे केस कर सकता है. वो आप मतलब क्या होगा कि जो टर्म एंड कंडीशन है, जो एग्रीमेंट था, ठीक है, शुरू में एग्रीमेंट बनता है, जो एग्रीमेंट था वो फुलफिल नहीं हुआ. तो इस तरह का चीज जो है कोर्ट में सीधा चला जाएगा, ठीक है. तो कैन बी इन्फोर्स्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ. तो हमारा जो जो रिक्वायरमेंट है, जो डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट बनेगा वो कोर्ट ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग होगा. एक चीज चौथा रिक्वायरमेंट ये है, चौथा रिक्वायरमेंट है कि पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट. अभी तो आपको समझाए थे कि हु आर द कॉम्पिटेंट, ठीक है, कॉम्पिटेंट का मतलब क्या हुआ, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द पार्टीज साइनिंग द डॉक्यूमेंट शुड बी लीगली कॉम्पिटेंट. यहाँ पे अच्छे से नहीं लिखा हुआ है बट आपको वहां आपने देखा था कि जो एज ऑफ मेजोरिटी को फुलफिल करे, ठीक है, एंड जिसका माइंड जो है साउंड हो इज अ कॉम्पिटेंट, ठीक है. एक और चीज है फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज. फ्री कंसेंट मतलब ये नहीं कि हम पार्टी को, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई आदमी है, उससे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हम जबरदस्ती उस पर दबाव डाल के हम उससे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करा रहे हैं, तो वो चीज नहीं होना चाहिए. फ्री कंसेंट से हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए.
एग्रीमेंट बनना चाहिए। उसके बाद क्या है, अटेस्टेड बाई विटनेस, और एक और चीज आता है कि विटनेस से जो है द सिग्नेचर ऑफ बोथ पार्टी शुड बी अटेस्टेड बाई अनदर रिस्पॉन्सिबल पर्सन और ऑफिसर। तो ये क्या है, आपको जुडिशरी वगैरह जो है, जैसे आपने जैसे वेरीफाई करवा के आते हैं तो वकील लिखता है कि आई हेयर बाय अटेस्ट दैट ही इज, नहीं लिखता है कि आपको जो कॉज के लिए है कि ये इस कॉलेज का लड़का है, ठीक है, ये इस सेमेस्टर में पढ़ता है, इसको हम जानते हैं या ऐसे करते हैं, तो वो चीज है जो विटनेस जो आपको वेरीफाई कर रहा है, ठीक है, उस तरह का पर्सन, तो अटेस्टेड बाय विटनेस होना चाहिए। ये सब एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। उसके बाद अगर आएंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, तो यहाँ पे बहुत लंबा देखिए इतना सारा लिस्ट दिखेगा आपको, लमसम कॉन्ट्रैक्ट, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, उसके बाद परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें बहुत सारा सब टॉपिक सब डिवीजन किया गया है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट, डेमोलिशन, ही कॉन्ट्रैक्ट, टारगेट नेगोशिएटेड और मटेरियल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बहुत सारा है, बट इसके अलावा भी आपको बुक में देखिएगा कुछ कुछ अलग अलग भी आपको मिलेंगे, कहीं पे थोड़ा बहुत अंतर जरूर मिलेगा, ठीक है। तो इसको देखिए हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट सेशन में जो है हम लोग जो टाइप्स हैं, ठीक है, टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन क्या होता है उन चीज़ों को देखेंगे, ठीक है, और एक और लास्ट में एक टर्म इसमें आता है बोट करके, बोट प्रोजेक्ट, बोट प्रोजेक्ट क्या है, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में लास्ट में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक। यस।